हम मतलब हमारा बच्चा भर्ती था अस्पताल में, उसके पेट में अचानक रात 2 बजे के बाद में दर्द चालू हो गया। तो मैं जो है तो ड्यूटी रूम में गया, वहाँ एक जो है तो मैडम सो रही थी, उन्हें जगाया मैंने और कहा कि बच्चे के दर्द हो रहा है पेट में और जो है तो इंजेक्शन लगा दीजिए दर्द का। तो उन्होंने कहा चलो कमरे में पहुँचो, हम आ रहे हैं। वो अपने रूम से जब आई तो इंजेक्शन भर के लाई और ला कर के हमारे बच्चे के दाहिने कोलू कमर में, दाहिनी साइड में ऐसे इंजेक्शन लगाया जैसे जानवरों के लगाया जाता। और बस बच्चा एक बार हमारा चीखा और फिर जो है तो बस मर गया। ये सब डॉक्टरों की लापरवाही और घोर यहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है। घूसखोरी, जिसको जो है तो मतलब पैसा देता उसी का इलाज होता है, नहीं तो मौत मिलती है। यहाँ इलाज नहीं मिलता है किसी को, जिला अस्पताल पीलीभीत में। लापरवाही का आरोप तो बिल्कुल गलत है। ये बच्चा 14 तारीख को बीसलपुर से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रेफर हुआ था और हमारे हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती हुआ और फिर उसको जो पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर थे उन्होंने देखा भी है और पूरा इलाज चलाया है। अचानक रात उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, इलाज पूरा वही चल रहा था और फिर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो ड्यूटी पर तैनात थे उन्होंने उसको जाके भी देखा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उसको बचा नहीं सके। लेकिन इलाज में कोई लापरवाही। सर, वो ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंजेक्शन ऐसे लगाया जैसे कि किसी के जानवर के लगाया गया हो, जिससे बच्चे की चीख। गलत है, बिल्कुल गलत। वही इलाज उसका पहले से ही चला रहा था 3 दिन से, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया और ऐसा बिल्कुल आरोप गलत है कि कोई ऐसा जानवर का इंजेक्शन लगाया।